फंडामेंटल राइट्स ह्यूमंस के लिए क्यों जरूरी है। हे एवरीवन, मैं हूँ रेनू वर्मा और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स। सो गाइस, फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मौलिक अधिकार बोला जाता है एंड फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड आर्टिकल 12-35 में रखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को USA यानी अमेरिका से लिया गया है। एंड फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, तो ह्यूमंस को सर्वाइव करने के लिए ह्यूमंस की जो फ्रीडम होती है डिग्निफाइड मैनर में जीने के लिए जिन राइट्स की नीड होती है उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस कॉलोनियल रूल्स, जब अंग्रेज हम पर शासन करते थे देन वो पावर्स का मिसयूज़ करते थे। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करता है टू आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइजेस से। फंडामेंटल हमें जो भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है, फिर चाहे वो देश का कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या इंडिविजुअली कोई भी हो, तो अगर उन पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है तो फंडामेंटल राइट्स हमें उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, देन हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन देता है। अब ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सो गाइज, ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फर्स्टली मूल अधिकार का जन्म 15 जून को 1215 ब्रिटेन में हुआ। ये एक रिटन लेटर था, इस रिटन लेटर को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये सबसे पहले ब्रिटेन में जारी किया गया था। इसके बाद फ्रांस विश्व का पहला देश है जिसने 1789 रेवोल्यूशन के बाद न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे। देन 1791 में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 अमेंडमेंट के बाद सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस पर सिस्टमिकली फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो अमेरिका में फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट कहते हैं। सो ये तो है ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नाउ अब बात करते हैं हम लोग डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया 1895, इंडिया में फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट की डिमांड बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जिसको स्वराज बिल कहते हैं। नेक्स्ट 1925 थ्रू एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। इसके बाद 1928 बाय मोतीलाल नेहरू कमेटी, इन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया था, तब इसकी मांग की गई थी, बट साइमन कमीशन द्वारा ये जो इन्होंने राइट्स की मांग की थी वो कैंसिल कर दी गई थी। नेक्स्ट 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रिटन फंडामेंटल राइट को प्रस्ताव दिया था, देन कराची सेशन में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके बाद 1945 में तेज प्रताप सबरू द्वारा फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, तब इस समिति ने फंडामेंटल राइट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया था। एक है जस्टेबल राइट्स जिसे पार्ट थर्ड में रखा गया, एक है नॉन जस्टेबल राइट जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। सो गाइज, ये है डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। सो गाइज, मौलिक अधिकारों को 3 ड्राफ्ट में शामिल किया गया था जो ड्राफ्टिंग कमिटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया। एंड वो 3 ड्राफ्ट जिसमें से जो फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है 1948 को, देन सेकेंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 17 अक्टूबर 1948 को, एंड द थर्ड एंड फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ। देन इस पर ही मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था जो ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा बनाया गया था। सो गाइस, ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, ये बोध हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हालांकि पहले 7 पार्ट थे।
44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हटाकर इसको कानूनी अधिकार में इंक्लूड कर दिया गया है, जो आर्टिकल 300A में रखा गया है। तो पहले सेवन फंडामेंटल राइट थे, अब 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं। अब इन 6 फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में समझते हैं। सो गाइस, फंडामेंटल राइट्स जो 6 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता के अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। एंड लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। सो गाइज, ये फंडामेंटल राइट्स के 6 पार्ट है। अब इन सारे पार्ट्स को डिटेल में एक एक करके समझते हैं। राइट टू इक्वालिटी, इसे आर्टिकल 14-18 में रखा गया है। इट मीन्स राज स्टेट सही व्यक्तियों के लिए इक्वल कानून बनाएगा एंड उन पर यूनिफॉर्म मैनर में अप्लाई करेगा। राइट टू इक्वालिटी में जेंडर, रिलीजियस, कास्ट और बर्थ प्लेस के आधार पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान देखा जाएगा एंड सबके लिए समान कानून होगा। तो रोजगार के मामलों में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, इट मीन्स कि जो छुआछूत मानी जाती है, तो इन सबको भी राइट टू इक्वालिटी में हटा दिया गया है। एंड इंडिया का कोई सिटीजन किसी अन्य देश से बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के कोई भी टाइटल, इट मीन्स उपाधि एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मिलिट्री और एकेडमिक ऑनर्स के अलावा नो टाइटल विल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। नेक्स्ट का राइट टू लिबर्टी, इट मीन्स आर्टिकल 19-22 पे रखा गया है। इसका मीनिंग ये है कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र हो, फ्री हो, देश के किसी भी प्लेस में आने जाने की फ्रीडम है आपको, देश के किसी भी प्लेस में रहने या बसने की आज़ादी है आपको, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, इट मीन्स पर्सनल फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, जिसे आर्टिकल 25-28 पर रखा गया है। इस पर एनी वन कैन फॉलो एनी रिलीजियन एंड कैन प्रमोट इट, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है तथा उस धर्म का प्रमोशन भी कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। नेक्स्ट, फ्रीडम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियन। नेक्स्ट, फ्रीडम गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और अटेंडेंस एट रिलीजियस वर्शिप इन सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो गाइस, ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इस अधिकार में 14 से कम एज के बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाना या तो कोई डेंजरस वर्क करवाना और ह्यूमन की तस्करी करना एक्सेट्रा, इन सब पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते, कोई डेंजरस काम बच्चों से आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जैसे आर्टिकल 29 एंड 30 पे रखा गया। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटी दोनों को राइट्स प्रोवाइड करते हैं। बट मेजॉरिटी क्या करती है, ये हमेशा अपने आप को आगे रखने की ट्राई करती है, क्योंकि जो इनकी संख्या बल होती है वो ज़्यादा होती है। तो मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी को
सप्रेस करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि ये राइट्स दोनों को मिले हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं कि मेजॉरिटी किसी की भी हो, माइनॉरिटीज़ को भी अधिकार है जो उन्हें मिलेंगे। तो अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा है। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए वह डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड आर्टिकल्स इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू रिट्स। रिट्स क्या करते हैं, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की इम्पोर्टेंस शो करते हैं। सो गाइज, आई होप आपको फंडामेंटल राइट अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।